आगे पहुंच गए हैं टेस्टी फूड्स के पास, जो कि बमीखाल कैनल रोड में जो हनुमान मंदिर है उसके पास पड़ता है। जैसे कि नाम है टेस्टी फूड्स, यहाँ पे बहुत सारी टेस्टी फूड मिलती है, जैसे कि आपका चिकन मलाई कबाब हो गया, चिकन हरियाली कबाब हो गया, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन तंगड़ी और स्पेशली चिकन दम बिरयानी। लेकिन यहाँ के लोगों को जो बहुत पसंद है वो है चिकन मलाई कबाब और चिकन दम बिरयानी। तो चलिए फिर खाते हैं चिकन दम बिरयानी और चिकन मलाई कबाब। हम खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं, चलिए मेरे साथ। टेस्टी फूड का मेन्यू है ये, आप देखिए क्या क्या खाएंगे आप। देखना क्या है, हम तो चिकन मलाई कबाब और बिरयानी खाएंगे, तो आप क्या खाओगे, बिरयानी या मलाई कबाब? मैं मलाई कबाब खाऊंगा। नहीं, मैं मलाई कबाब खाऊंगा। नहीं, मैं सब मतलब हर दिन मैं बिरयानी टेस्ट करता हूँ, आप कबाब मतलब ये कबाब खाऊंगा, आप बिरयानी खाऊंगा। नहीं, सिक्का उछालेंगे, हेड आया तो आप मलाई कबाब खाओगे। कैसी बात करे, सिक्का अफ्रीका नहीं। चलिए चलिए चलिए, आप मलाई कबाब खा लो, मैं बिरयानी खा लेता हूँ। ये मीना बात बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, चलिए। तो अब मेरे पास आके पहुंच गया चिकन मलाई कबाब, और ये प्रिपरेशन जब मैं पूछा था उनको तो उन्होंने बोला था कि ये नारियल पेस्ट, काजू पेस्ट, अमूल क्रीम और ये बटर शायद डाला था, तो थोड़ा सा खड़ा मसाला भी डाला है, जैसे कि जायत्री हो गया, लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये सारे ये जो खड़ा मसाले का नाम मैंने लिया उसको पहले से पीस कर पाउडर बनाते हैं, जो कि ये जो पेस्ट बनाते हैं, जो काजू पेस्ट हो गया, नारियल पेस्ट हो गया, उसमें मिला के ये चिकन मलाई कबाब बनाते हैं। और ये देखते हैं गार्निशिंग, ये एक नींबू भी है और चिकन मलाई कबाब के साथ पुदीने का चटनी है, तो इसको थोड़ा मिला के खाएंगे और टेस्ट कैसा है। ये जो मलाई कबाब है इसमें काजू का टेस्ट, अमूल क्रीम का टेस्ट, जो नारियल का जो पेस्ट था उसका भी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा सोरनेस है, और जो जो खड़ा मसाला जिसमें डाला गया है उसका भी टेस्ट उभर के आ रहा है। तो कुल मिला के ये पुदीने का चटनी और मलाई कबाब का जो कॉम्बिनेशन,
एक्सीलेंट है। अगर रेटिंग देना चाहूँगा तो इसको 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। आपकी चिकन बिरयानी, इसमें एक लेग पीस है, एक चेस्ट पीस है, एक पीस आलू है, दो अंडे है, और इसमें मसाला है, पुदीना डाला है, धनिया पत्ता डाला है, दही डाला है, घी डाला है। मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा लगता है। बेहतरीन, बढ़िया लग रहा है, मसाले का स्वाद उभर उभर के आ रहा है। अब देखते हैं चिकन एक पीस काफी स्वाद है। अब देखते हैं रायता, ये रायता खाने के बाद मैं एक चीज बोलूंगा कि बोले तो मामू दूध दही है, बाकी सब सही है। अगर इसको रेटिंग देना पड़े तो मैं दूंगा 8, 10 में से 8 दूंगा, बहुत ही बढ़िया है। भाई लोग एक चीज बताना भूल गया, इसकी प्राइस ये है 110 रुपए की। देखिए क्वांटिटी, देखिए क्वालिटी भी देखिए, क्वांटिटी भी देखिए, 110 रुपए में। तो अभी टाइम है थोड़ा सा कस्टमर रिव्यू लेते हैं। आपका नाम? तुषार। आप क्या, अभी क्या खा रहे हो? अभी वेज बिरयानी। टेस्ट कैसा है इसका? बहुत अच्छा है। आप रेगुलर आते हो यहाँ पे? हाँ। ये आज मतलब वेज क्यों, नॉन वेज क्यों नहीं? आज मन, हमेशा मैं चिकन बिरयानी खाता हूँ, तो आज टेस्ट करने का मन किया वेज बिरयानी कैसा है, तो इसलिए वेज बिरयानी आज लिया। तो वेज बिरयानी को अगर रेटिंग दोगे तो कितना रेटिंग दोगे? 4.95 से। आउट ऑफ 5? यस। और चिकन बिरयानी खाते हो रेगुलर? चिकन बिरयानी को चिकन बिरयानी 4 times 4-5 times खाया हूँ, उसको 5 दूंगा। 5 आउट ऑफ 5। चलिए अभी बात करते हैं नीलकंठ जी से, जो कि रेस्टोरेंट के ओनर है। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर आप हमें बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट कितने देर से चल रहा है? ये 1 साल लगभग। 1 साल हो गया आपका। और ये जो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं आपका, मतलब ये स्पेशलिटी क्या है जो कि कस्टमर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है? यहाँ का बिरयानी बहुत स्पेशल होता है, और तंदूर आइटम, रोल, चाउमीन, पकौड़ा, ये सब स्पेशल होता है और सिंपल एंड टेस्टी होता है। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये प्लेस आइए, ट्राई कीजिए, खुद देखिए, आप नाराज नहीं होंगे। बढ़िया प्लेस है, एम्बियंस अच्छा है, जगह का प्रिपरेशन सर्विस सब अच्छा है, आके ट्राई करिए एक बार। थैंक यू नीलकंठ जी। ये थे नीलकंठ जी, जो कि ये टेस्टी फूड्स के ओनर हैं, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमको, और आप आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे इस तरह देखते रहिए स्ट्रीट फूड फाइंडर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ कमेंट, शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।